फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ वर्बल क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमारा सबसे लास्ट वाला टेंस टेंसेस में का, तो सबसे पहले लिख लेंगे उसका रूल। तो फ्रेंड्स, उसका रूल है शॉल विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, शॉल विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। विल शी हैव सम अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा चुकी होगी? तो वह क्या गा चुकी होंगी? तो गाना। तो गाना क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो लिख लेंगे एक ही गाना है, मतलब सिंगुलर नाउन है, तो विल हम लोग लेंगे, तो विल अ सॉन्ग। उसके बाद हैव स्ट्रक्चर में है, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 है सॉन्ग। अब कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बाय, और बाय के बाद शी के ऑब्जेक्ट केस जो है हर, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? विल अ सॉन्ग हैव बीन सॉन्ग बाय हर, क्या गाना गाया जा चुका होगा उसके द्वारा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल ही हैव ओपन द डोर, क्या वह दरवाजा खोल चुका होगा? तो वह क्या खोल चुका होगा? तो दरवाजा, मतलब जो डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो एक ही डोर है, इस वजह से हम लोग लिख लेंगे विल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, विल अ डोर या फिर विल द डोर। उसके बाद स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 ऑलरेडी हमें मिला है और ओपन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद ही के ऑब्जेक्टिव केस है हिम, तो हिम लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना? विल द डोर हैव बीन ओपन्ड बाय हिम। तो फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल, शॉल वी हैव सेलिब्रेटेड द बर्थडे क्वेश्चन मार्क, क्या हम बर्थडे मना चुके होंगे? तो हम क्या मना चुके होंगे? तो बर्थडे, तो बर्थडे है ऑब्जेक्ट। अब एक ही बर्थडे है तो शॉल विल में से इस्तेमाल करेंगे विल का, तो विल द बर्थडे, उसके बाद स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 है सेलिब्रेटेड, अब कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद जो वी है सब्जेक्ट की जगह पर, उसके ऑब्जेक्टिव केस है अस और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना? विल द बर्थडे हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय अस। तो फ्रेंड्स, अब ऐसा एग्जांपल लेंगे जिनमें दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको मिलेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहला वाला एग्जांपल, विल विराट हैव रिटन अ लेटर टू हर, क्या विराट उसे खत लिख चुका होगा? अब विराट उसे क्या लिख चुका होगा? तो अ लेटर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। विराट किसे खत लिख चुका होगा? तो उसे, तो टू हर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो लेटर एक ही है, तो विल का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो विल अ लेटर। उसके बाद स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद स्ट्रक्चर वाइज हम लोग लिखेंगे, उसके बाद है बीन, उसके बाद V3 है रिटर्न, जो कि ऑलरेडी हमको मिलेगा, उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसा का वैसा लिखेंगे, वो है टू हर, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसके बाद है बाय, और बाय के बाद विराट जो नाउन है वो जैसा का वैसा लिखेंगे। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि सब्जेक्ट की जगह पर अगर कोई नाउन आता है तो बाय के बाद हम लोगों को नाउन जैसा का वैसा लिखना पड़ता है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर अगर कोई प्रोनाउन आता है तब हम लोगों को उस प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस बाय के बाद लिखनी पड़ती है। तब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं, तो हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हम लोग उसका, हम लोगों को नॉमिनेटिव केस चाहिए, तो हर की नॉमिनेटिव केस क्या है? तो शी के सामने हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमेशा विल का, तो विल शी, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V3 है रिटर्न, उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसा का वैसा लिख लेंगे, और लेटर, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, उसके बाद है बाय, और बाय के बाद जो नाउन है विराट सब्जेक्ट की जगह पर वो जैसा का वैसा लिख लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा? विल शी हैव बीन रिटर्न अ लेटर बाय विराट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, शॉल वी हैव आस्क क्वेश्चंस टू देम, शॉल वी हैव आस्क क्वेश्चंस टू देम, क्या हम उन्हें सवाल पूछ चुके होंगे? तो हम उन्हें क्या पूछ चुके होंगे?
तो सवाल, तो सवाल है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब क्वेश्चन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम किसे सवाल पूछ चुके होंगे तो उन्हें, तो टू दे मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसे बनाते हैं। अब क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे है, तो शाल में से हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्लूरल के लिए शॉल। तो शॉल क्वेश्चन, उसके बाद स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद भीतरी है आस्क, उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू देम, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो छोड़ देंगे, उसके बाद बाय, बाय के बाद वी के ऑब्जेक्टिव केस है अस, अस लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बनना, शॉल क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड टू देम बाय अस। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है देम, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में वो होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर है इसलिए, लेकिन हम लोगों को सब्जेक्ट की जगह पर लेके जाना है, इस वजह से हम लोगों को वो चाहिए नॉमिनेटिव केस में। तो देम की नॉमिनेटिव केस है दे, तो दे के अकॉर्डिंग हम लोग शैल में से इस्तेमाल करेंगे विल, विल दे हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद भीतरी है आस्क, उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसा का वैसा लिख लेंगे क्वेश्चन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस पे नहीं है तो छोड़ देंगे, उसके बाद है बाय, और बाय के बाद वी के ऑब्जेक्टिव केस है अस, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, विल दे हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चंस बाय अस। नेक्स्ट एग्जांपल, विल शी हैव गिवन अ गिफ्ट टू हिम, क्या वह उसे उपहार दे चुकी होंगी, तो वह उसे क्या दे चुकी होंगी, आंसर मिलेगा उपहार। तो उपहार मतलब गिफ्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वह किसे उपहार दे चुकी होगी, तो उसे मतलब टू हिम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। अब गिफ्ट एक ही है, इस वजह से शैल में से इस्तेमाल करेंगे विल, तो विल अ गिफ्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद भीतरी है गिवन, उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू हिम, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस है शी की वो है हर, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस कैसे बना, विल अ गिफ्ट हैव बीन गिवन टू हिम बाय अस। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम, लेकिन नॉमिनेटिव केस में जो अगर हिम आता है तो उसका बन जाता है ही, वो आपने पढ़ा होगा। आप पार्ट ऑफ स्पीच के सेक्शन में जाकर मेरा पर्सनल प्रोनाउन वाला वीडियो जरूर देखिए, इससे आपको मतलब कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, तो हम लोगों का ये बाकी है, तो हिम का बन जाएगा ही, तो ही क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन ही के सामने हम लोग लगाते हैं विल, तो विल ही, उसके बाद स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद भीतरी है गिवन, हम लोग ये स्ट्रक्चर वाइज कर रहे हैं, गिवन उसके बाद में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसा का वैसा लिख लेंगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है गिफ्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, उसके बाद बाय, और बाय के बाद जो शी के ऑब्जेक्टिव केस है वो है हर, और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, विल ही हैव बीन गिवन अ गिफ्ट बाय हर, विल दे हैव डग अ वेल इन फार्म, क्या वह खेत में कुआं खोद चुके होंगे, तो वह खेत में क्या खोद चुके होंगे, तो कुआं मतलब अ वेल है ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में, अब कुआं एक ही है अ वेल, इस वजह से हम लोग शैल में से इस्तेमाल करेंगे विल का, तो विल अ वेल, उसके बाद स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद भीतरी है डग, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है इन फार्म, उसके बाद बाय, और बाय के बाद दे के ऑब्जेक्टिव केस है देम, और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, विल अ वेल हैव बीन डग इन फार्म बाय देम। तो फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल, शॉल आई हैव मेड अ वीडियो, या फिर मेड वीडियोज, शॉल आई हैव मेड वीडियोज फॉर यूट्यूब, क्या मैं यूट्यूब के लिए वीडियोज बना चुका होऊंगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ढूंढना आसान है, तुम कैसे सवाल पूछते, मैं यूट्यूब के लिए क्या बना चुका होऊंगा, तो वीडियोस, तो वीडियोस है ऑब्जेक्ट, तो वीडियो एक नहीं है, बहुत सारे वीडियोस है, इस वजह से हम लोग शॉल में से इस्तेमाल करेंगे शॉल का, तो शॉल वीडियोस, उसके बाद हैव स्ट्रक्चर में है, उसके बाद है बीन, उसके बाद भीतरी है मेड, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट है वो है फॉर यूट्यूब, वो लिख लेंगे, उसके बाद बाय, और बाय के बाद आई के ऑब्जेक्टिव केस है मी, और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, शॉर्ट वीडियोस हैव बीन मेड फॉर यूट्यूब बाय मी। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।